अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह फुटर में साइट मैप ऐड कर सकते हैं। तो पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप HTML साइट मैप यूज़ करें, लेकिन चूंकि हमारी वेबसाइट पे सिर्फ एक पोस्ट है, इस वजह से अगर हम HTML साइट मैप क्रिएट करेंगे तो वो एक थिन पोस्ट बन जाएगी, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस वजह से हम XML के साइट मैप यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह जब फ्यूचर में ये वेबसाइट ग्रो कर जाएगी तो मैं आपको HTML साइट मैप भी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से जाएंगे अपीरेंस, थीम एडिटर, उसके बाद यहाँ से फुटर, फुटर में जाने के बाद हम सर्च करेंगे अबाउट अस की। अब यहाँ पे हम एक और लिस्ट आइटम ऐड करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम साइट मैप। असल में ये मुझे शुरू में ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन सॉरी मुझे याद नहीं रहा, तो इस वजह से आप इसे ऐड कर रहे हैं। तो साइट मैप ऐड हो गया। साइट मैप ऐड करने का मकसद ये है कि जो गूगल का बोट होता है वो हमारी वेबसाइट को अच्छे तरीके से क्रॉल कर सके। तो वीडियो देखने के शुक्रिया, उम्मीद है आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी।